हेलो एवरीवन, नमस्ते आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और आपके प्लांट्स भी हेल्दी होंगे। आज मैं आपको लेके आई हूँ अपनी फ्रेंड के गार्डन में, तो दिखाती हूँ इसने कैसे अपना गार्डन बनाया है और इसे भी अब प्लांट्स कितने ज़्यादा पसंद हैं। तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसका प्यारा सा गार्डन। ये है मेरा छोटा सा बालकनी गार्डन जो कि मैंने अपनी फ्रेंड रचना से इंस्पायर होकर स्टार्ट किया है। तो आइए देखते हैं। ये सारे मैंने यहाँ पर इंडोर प्लांट्स लगा रखे हैं क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 1 से 2 घंटे की धूप आती है, जैसे कि अरेका पाम और ये पर्पल हर्ट, स्पाइडर प्लांट, एग्लोनीमा, सिंगोनियम, ड्रेसीना, सॉन्ग ऑफ इंडिया एंड क्रेसुला ओवाटा, मनी प्लांट, जेड प्लांट, जीजी प्लांट जो कि डिम लाइट में भी चल जाता है, और ये स्नेक प्लांट की ही वैरायटी है सुंदर सी जो कि मुझे मेरी फ्रेंड रचना ने ही दी है, और ये नीचे पोथोस की वैरायटी है, स्पाइडर प्लांट, एलोवेरा, उधर है टर्टल वाइन, और इधर ये सेंसिवेरिया की ही वैरायटी है, ये भी पोथोस, इधर पोर्टुला का है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शेफलेरा, चाइना पाम, और ये भी पोथोस की वैरायटी। और इनमें से कई सारे प्लांट्स मैंने कटिंग से लगाए हैं रचना से ही लेकर, और ये सब मैंने खरीदे नहीं है। और ये सारे स्पाइडर प्लांट जो है, मैं एक ही स्पाइडर प्लांट लाई थी सिर्फ, और एक से मैंने इतने सारे प्लांट बना लिए क्योंकि स्पाइडर प्लांट बहुत जल्दी जल्दी बेबी प्लांट्स देता रहता है। और ये गमले खरीद के, और ये मैंने DIY प्लांटर्स बनाए हैं, प्लास्टिक के जो वेस्ट हमारे डिस्पोजल बाउल्स बच जाते हैं जब हम बाहर से खाना मंगाते हैं, तो और ये जो पिकल्स वगैरह, जैम वगैरह के प्लास्टिक कंटेनर्स होते हैं टॉफीज वगैरह के, उन्हीं में सारे प्लांट्स लगाए। और इधर भी है बहुत सारे प्लांट्स। इसमें मैंने अभी मेथी के सीड्स डाले थे संडे को ही, और ये आप देख सकते हैं छोटे छोटे मेथी के स्प्राउट हो गए हैं। और यहाँ पर ये वैंडरिंग जू की कटिंग हम लेकर आए थे नर्सरी से, और ये टच मी नॉट प्लांट है जो सो चुका है अभी एंड ये तुलसी, दिस इज ब्रिंजल, ये देखिए वाओ, अब तो खूब सारे बैगन आएंगे घर पे बैगन। और ये पीछे आप देख सकते हैं नींबू का पौधा है, इधर तो काफी, हाँ इधर अनार का पौधा है, अभी अनार का पौधा थोड़ा सा छोटा हम लाए थे, अभी इस पे अनार नहीं आया है। ये पुदीना है, ये चंपा प्लांट, ये तुलसी, ये कॉक्सकॉम्ब और शमी का पौधा है इधर जो कि बहुत शुभ माना जाता है घर के लिए, ये चांदनी प्लांट है, ये अमरूद है, आप देख सकते हैं इस पे अमरूद भी आ रहे हैं छोटे से। हाँ, काफी है। हाँ पीछे बड़ा वाला है, और ये अशोका प्लांट, और इसमें मैंने अपराजिता के बीज लेकर डाले थे, तो देख सकते हैं आप कितने सुंदर अपराजिता के फूल खिले हैं। और ये है अलमांडा की बेल, इसमें भी फ्लावर्स आ रहे हैं अलमांडा की, ये अभी झड़ चुके हैं मोस्टली फ्लावर्स। और यहाँ से आप देख सकते हैं कॉक्सकॉम, कोलियस, क्रॉटन, और ये लैंटाना। ये कैसे लगा, ये तो बहुत सुंदर लग रहा है। ये लैंटाना है जो बहुत भर भर के फ्लावर्स देता है, ये आपको जरूर लगाना चाहिए। और ये इग्जोरा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, और ये कैना लिली, इसमें भी येलो कलर के फ्लावर्स जब आते हैं बहुत प्यारे लगते हैं। और ये सुख समृद्धि, ये कॉक्सकॉम, कुछ प्लांट इधर भी है देखिए मैडम के, ये भी बहुत अच्छे हैं। ये पालक के बीज डाले थे जो थोड़े से बारिश के कारण खराब हो गए, जो की भी तैयारी होने लग गई है, पालक मिर्ची उगने लग गया। ये है हमारा जैस्मीन का जो कि खराब हो गया था, अभी आ रहा है। ये है पारिजात का पौधा जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है, महालक्ष्मी जी को इसका फ्लावर बहुत ही प्रिय होता है। आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे, इसकी लीव्स बहुत ही प्यारी लगती है, कर्व कर्व शेप में आती है,
हाँ, हम दोनों ही नर्सरी से लाए थे, इसने वीडियो भी शूट किया था उसका। और ये है हिबिस्कस, और ये है जैस्मीन, इसमें फ्लावर भी आ रहे हैं, और नीचे टर्टल वाइन। और ये है येलो वाले हिबिस्कस की वैरायटी, देख सकते हैं कॉक्सकॉम कितना बड़ा हो गया इसमें, उसने हिबिस्कस को बड़ा नहीं होने दिया। और ये है तड़का, इसमें ना ये छोटे छोटे बीज आते हैं जिसका तड़का हम सब्जियों में लगाते हैं, बहुत ही अच्छा होता है। और ये है रोज फ्लावर का प्लांट, ये है मोरपंखी, और पीछे है मैक्सिकन पिटूनिया। ये अजवाइन के पौधे हैं, ये सारे खाने में आप जरूर डालिए, दाल वगैरह में, इससे डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहता है। ये है एक्सोरा, ये है जेड प्लांट का। वाह, सुंदर लग रहा है, ये भी कटिंग से उगाया था। हाँ, अब कटिंग भी लगी। और ये वैंडरिंग जो कि देखे, हम जो कटिंग लाए थे, ये धीरे धीरे ग्रो करेगी। और ये है डॉलर प्लांट, ये देखिए दोस्तों। और ये है हमारा चांदनी का पौधा। वाह, और ये अजवाइन तो देख ही चुके हैं, और ये है हमारा पुदीना, और यहाँ पे मैक्सिकन पिटूनिया के पिंक फ्लावर की वैरायटी लगाई है। और इसमें से मोस्टली पॉट्स जो है वो DIY है, जैसे आप देख सकते हैं, ये बड़े बड़े दही के डब्बे जो होते हैं ना, उसी में ये एलोवेरा, तुलसी और ये सब लगाए हैं। ये देखिए दोस्तों कितने सुंदर इसने DIY बनाए हैं, और अब ये कुछ भी कबाड़ नहीं छोड़ती अपने घर का, और बहुत ही सुंदर तरीके से इसने इसने ड्रॉइंग भी की है, बहुत अच्छा सजाया भी है, और पेशे से ये एक सरकारी अध्यापक है। ये टच मी नॉट में फ्लावर भी आ रहा है, ये देखिए टच मी नॉट प्लांट का फ्लावर। आपको स्विमिंग के पौधे स्विमिंग के दर्शन करा दिए मैंने, कितना सुंदर लग रहा है ना वो सुबह, और अच्छा था। और ये देखिए, ये सारे सारे DIY प्लांट है, खा खा के जितने भी डिब्बे हमारे घर से निकलते ना, इन्हें बिल्कुल भी मत फेंकिए, इस तरह से पौधे लगाइए। और देखिए यहाँ भी, और देखिए इसमें कितने अच्छे इसने आउट बनाए। और ये देखिए लॉर्ड गणेशा भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और इसमें सुंदर सा इसने स्नेक प्लांट लगाया है। तो बड़ी खुशी होती है जब हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। और ये देखिए डेविल बैकबोन का प्लांट कितना बड़ा हो गया, ये डिब्बा बन सा ये विम 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 के डिब्बे में भी देखिए पौधे लगा रखे थे। जो इन सारे पौधों को पानी देने का काम है, ये करता है कृषि अपनी वाटरिंग कैन से, क्यूट सी एलिफेंट वाली। बच्चों को भी गार्डनिंग जरूर सिखाइए, क्योंकि ये पेड़ पौधे अगर है तभी जीवन है, वरना नहीं है। ऑक्सीजन, एयर को ये प्यूरिफाई करते हैं, इतने सारे बेनिफिट्स तो आपको पता ही है। तो बच्चों को भी आप ज़रूर गार्डनिंग सिखाइए, आप सब भी गार्डनिंग ज़रूर करिए। स्टार्टिंग में देखिए हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स और डिफ़िकल्टीज आती है, जब हमारी कटिंग नहीं लगती तो हम निराश भी हो जाते हैं। मैं कितने प्लांट्स नर्सरी से नहीं लेके आई, लेकिन उनकी केयर ढंग से नहीं हो पाई, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं होती थी। लेकिन धीरे धीरे एक्सपीरियंस से ही हमें नॉलेज आती है कि किसको कितना पानी चाहिए, किसको कितनी धूप चाहिए, और कैसे उनकी हमें कटिंग करनी है, उनको फर्दर ग्रो करने के लिए और उनकी शेप अच्छी देने के लिए। तो ये सब चीज़ें, एक गार्डनिंग एक स्लो प्रोसेस है और जर्नी है, जो बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये हमें पेशेंस भी सिखाती है बहुत ज़्यादा। तो बस खाद कौन सी इस्तेमाल करते हैं मैडम, आप ये भी बता दो जरा हमारे। खाद ये जो सूखी पत्तियाँ पार्क में होती है, हम ये इकट्ठी करके लाते हैं, और इन्हीं को मैं गमलों की मिट्टी में डाल देती हूँ, और वर्मी कंपोस्ट यूज़ करते हैं हम वंस अ ईयर। नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप पार्क में जाइए, वहाँ से कटिंग लेकर आइए, आपको इजीली स्पाइडर प्लांट, तुलसी, कनेर सब जगह मिलते हैं ये, इनकी कटिंग आप कहीं से भी ला सकते हैं। मनी प्लांट की कटिंग, किसी फ्रेंड के घर गए वहाँ से मनी प्लांट की कटिंग्स, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप किसी से भी ला सकते हैं, और लोग खुश होकर भी देते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बाय।